रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे महक तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है। फेस टू बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आए हैं जिनमें नए नए लोगों नए नए आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिल रहा है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो मेरे लिए बात है कि इसमें मेरे को नए जॉनर्स परफॉर्म करने का मौका मिलेगा जो अभी तक मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सारे जितने मेरे दोस्त लोग थे, जितने मेरे को सपोर्ट करते थे लोग, उन सबके ये रिव्यूज़ आए थे कि मोहित हम चाहते हैं तो कुछ नया परफॉर्म करें, क्योंकि 7 वीक से एक तरह के सॉन्ग्स करता आया था। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात की अच्छा लग रहा है कि मैं अब फेज टू से अच्छे तरह से अलग अलग जॉनर्स के अलग अलग टेस्ट के सॉन्ग्स परफॉर्म कर पाऊंगा। परफॉर्मेंस को लेकर ही होता है मेरा मेन प्रेशर कि बस परफॉर्मेंस अच्छी चली जाए। जैसे अभी भी इस एपिसोड में मेरा सॉन्ग जो है वो ब्रेथलेस है, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सॉन्ग्स में से एक आता है हमारी इंडस्ट्री के जो भी हमने आज तक सुने हैं। तो मेरा सबसे सुना हुआ सबसे टफेस्ट सॉन्ग है ब्रेथलेस, और मैं जस्ट कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छे से निभा पाऊं। तो मेरे पर किसी चीज़ का प्रेशर रहता है तो सिर्फ परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, और मैं चाहता हूं कि बस मैं इस गाने को अच्छे से निभा पाऊं और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे वहाँ जो भी लोग मेरे को प्यार करते हैं और मेरे सपोर्ट करते हैं वो सब इसी तरह करते जाओ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं इस तरह से परफॉर्म कर पाऊँ, इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ कि आप सब मेरे को इसी तरह प्यार करते जाओ।